हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें रेट की जितनी भी शिक्षण विधियाँ हैं उन सबको मैं अपने इस चैनल पे अपलोड करूँगा। डेली एक शिक्षण विधि आपको मिलेगी। तो आज शिक्षण विधि की अपन शुरुआत करने वाले हैं वो है अनुकरण शिक्षण विधि। अनुकरण का मतलब होता है, देखो, किसी की नकल करना, किसी को फॉलो करना, किसी की देख के उसके जैसा करना, उसको अनुकरण कहते हैं। तो आज जो पहली शिक्षण विधि है वो है अनुकरण शिक्षण विधि। शुरू करते हैं। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो, जितनी भी शिक्षण विधियाँ हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। और मैं जो शिक्षण विधि आपको करा रहा हूँ वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको बताऊँगा एग्जैक्ट मीनिंग क्या है उस विधि का, इतना मैं विधि में आपको समझाऊंगा। तो अनुकरण जो शिक्षण विधि, इसका मतलब होता है किसी का अनुकरण करना, किसी को फॉलो करना, किसी की कॉपी करना, किसी की नकल करना। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। आगे चलते हैं। अनुकरण विधि है ये पेस्टोलॉजी ने दी है। अनुकरण विधि किसने दी? पेस्टोलॉजी ने दी। अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना। पेस्टोलॉजी प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री थे। पेस्टोलॉजी जो थे वो प्रकृतिवादी थे, ठीक है। उन्होंने कौन सी शिक्षण विधि? अनुकरण शिक्षण विधि दी। इन्होंने बच्चों की प्रकृति पर आधारित विधियों का निर्माण किया। पेस्टोलॉजी ने कैसी शिक्षण विधियों का निर्माण किया? जो बच्चों पर आधारित थे। और ये कैसे थे? प्रकृतिवादी थे, क्योंकि बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं छोटे, वो नकल आसानी से कर पाते हैं। वो देख के एक दूसरे को देख के वैसा करने की सोचते हैं। तो पेस्टोलॉजी ने अनुकरण विधि बच्चों की नकल के आधार पे ये विधि बनाई। तो ये जो शिक्षण विधि है ये नकल के ऊपर आधारित है। पेस्टोलॉजी ने बनाई अनुकरण विधि, और जो पेस्टोलॉजी थे वो प्रकृतिवादी थे। अनुकरण विधि किस पे है? किसके लिए है? बच्चों के लिए है। अब चलते हैं आगे कि अनुकरण विधि अध्यापक अनुकरण विधि को कैसे इस्तेमाल में लेता है और किस प्रकार से वो अप्लाई करता है अनुकरण विधि का बच्चों पे, ठीक है। अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों के समक्ष किसी निबंध या पत्र का मॉडल के रूप में प्रस्तुत करता है। जो अनुकरण विधि है उसका प्रयोग करने के लिए हमें किसी मॉडल, यानी कि जैसे हम पत्र लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो उसका एक डायग्राम या एक मॉडल होता है, उसको टीचर एक बोर्ड के ऊपर बना देता है। उसी के अनुसार विद्यार्थी ध्यानपूर्वक मॉडल को सुनते हैं और मूल बिंदुओं को लिख लेते हैं। कि टीचर एक मॉडल बना देता है बोर्ड पे कि पत्र ऐसे लिखते हैं, निबंध ऐसे लिखते हैं, कि एप्लीकेशन जो होती है वो इस प्रकार से लिखी जाती है, ये उसका मॉडल है। और फिर क्या करता है, महत्वपूर्ण बिंदु समझा देता है कि शुरुआत ऐसे होगी, लास्ट में ये लिखा जाएगा, शुरू डेट यहाँ पे लिखी जाएगी, वो सब चीज़ें टीचर उनको बता देता है। एक डायग्राम, एक मॉडल उनको मॉडल के रूप में समझा देता है। जैसे आपने देखा होगा 9th-10th में जब पासबुक आती थी उनमें मॉडल दिए होते थे निबंध के, एप्लीकेशन के, उसी प्रकार से वो मॉडल बोर्ड में बना देता है टीचर और बच्चों को समझाता है। आगे क्या है, जब अध्यापक सभी पदों मतलब बिंदु, सभी बिंदु को बोल लेता है तो उस मॉडल के मिलता जुलता या मिला हुआ किसी अन्य प्रकरण पर कार्य करने के आदेश देता है। अगर टीचर ने वो मॉडल अच्छी तरह समझा दिया है कि बच्चों ये पत्र, ये निबंध, ये एप्लीकेशन इस प्रकार से लिखी जाएगी, और तो उसी से जैसे फादर के ऊपर एप्लीकेशन लिखी, फादर के ऊपर निबंध लिखा, तो मदर के ऊपर उसी के अनुसार मदर पे लिखवाएगा टीचर। तो जैसा मॉडल दिया है उसके अनुरूप दूसरे कोई कार्य देके बच्चों से टीचर करवाता है। जैसे गाय के निबंध के आधार पर किसी अन्य पर निबंध लिखना, गाय के ऊपर लिख दिया तो कि बकरी के ऊपर कैसे लिखेंगे, गाय के ऊपर कैसे लिखेंगे, हाथी के ऊपर कैसे लिखेंगे, ऐसे निबंध से बच्चों की एक्सरसाइज करवाता है, अनुकरण करवाता है। अनुकरण टीचर अनुकरण विधि को इस तरह से इस्तेमाल करता है। आगे चलते हैं।
इसके कुछ गुण हैं, अनुकरण विधि के कुछ गुण हैं, क्या क्या हैं। प्राथमिक स्तर रचना शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, ये सबसे अच्छी विधि है प्राथमिक स्तर के लिए। रचना शिक्षण में सबसे सरल विधि है, रचना जो शिक्षण होती है उसमें सबसे सरल विधि है अनुकरण विधि की, नकल करके आप अपना काम कर लो। विद्यार्थियों में शब्द भंडार की वृद्धि होती है, अध्यापक मॉडल बना देता है, कठिन कठिन शब्द बता देता है, तरीका बता देता है, तो उनमें शब्द भंडारण की उनकी वृद्धि होती है। लिखकर अभिव्यक्त करने की क्षमता बढ़ती है कि मॉडल मॉडल दे दिया उसी के अनुरूप बच्चे लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो उनका लिखने की जो अभिव्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त करने की उनकी क्षमता विकसित होगी। कमजोर विद्यार्थी भी सरलता से रचना करना सीख लेते हैं कि कमजोर को बता कि ऐसे नकल करना है, इस प्रकार से लिखना है, यहाँ से शुरुआत करनी है, ऐसे खत्म करना है, तो कमजोर विद्यार्थी के लिए अनुकरण विधि सही है, आसानी से उसका इस्तेमाल कर लेता है। अब इसके कुछ दोष हैं क्या हैं, अध्यापक केंद्रित और अवैज्ञानिक विधि है, सिर्फ अध्यापक है, अध्यापक मॉडल पूरी तरीके से बोर्ड पर खड़ा होकर मॉडल को समझाता है, और ये अवैज्ञानिक विधि है क्योंकि अध्यापक, ये वैज्ञानिक विधि नहीं है, आपसे पूछा अनुकरण विधि कैसी है, ये अध्यापक केंद्रित है और अवैज्ञानिक विधि है। उच्च स्तर पर अनुपयोग विधि की, ये जो अनुकरण विधि छोटे बच्चे नकल कर सकते हैं, बड़े बच्चे थोड़ी आपकी नकल करेंगे, उनका अपना एक स्तर होता है, तो ये जो शिक्षण विधि अनुकरण शिक्षण विधि है ये बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए उपयोगी नहीं है। अनुपयोगी उच्च स्तर के लिए अनुपयोगी है, नकल करने की प्रवृत्ति का विकास होता है कि बच्चे ने पता है कि टीचर बोर्ड में समझा देगा तो नकल करनी, नकल मारनी, तो नकल करने की प्रवृत्ति, ये भी एक दोष है। भाषा शैली स्वयं की नहीं होती, भाषा शैली तो स्वयं की कैसे होगी, जब टीचर बता देगा पूरा का पूरा मॉडल समझा देगा तो उसकी भाषा शैली खुद की कैसी होगी, दूसरों की होगी, मॉडल की भाषा शैली होगी कि ये लिखना है शुरू में, यहाँ पे ख़त्म करना है। इस विधि से रचना शिक्षण के सभी उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती, जो अनुकरण शिक्षण विधि से रचना शिक्षण की सभी विधियों की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो आपने देखा कि शिक्षण विधियां हैं, वो अनुकरण शिक्षण विधि है, वो एक प्रकार से नकल पे आधारित है, पेस्टालोजी ने दी है, पेस्टालोजी प्रकृतिवादी, और ये बच्चों पर आधारित है, और ये नकल पर आधारित विधि अनुकरण विधि है, जो नकल पे आधारित विधि है। वीडियो देखने के लिए